अस्सलाम वालेकुम, CS310 ये लो तला बना दी है, ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये स्पेशली तला के लिए, 200-300 व्यू आते हैं इसके ऊपर, तो बाकी लोग भी देख लें, कोई बना ही नहीं रहा। PHP में फाइल बनानी है आप लोगों ने, कोड आपके सामने रखूँगा, दो कोड आपने करने हैं, मैंने थोड़ा सा एडवांस कोड किया है, तो मेरा ख्याल है बेस्ट रहेगा। असाइनमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हैं, स्विच स्टेटमेंट आपने यूज़ करना है, आपने कैलकुलेटर डेवलप करना है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, और अगर कोई और ऑपरेशन हो तो इनवैलिड लिखा जाए, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज़ क्लियर कर दी हैं। और 5 स्टूडेंट की एक आपने दूसरे प्रोग्राम में अरे बनानी है, और उस अरे में आपने लूप यूज़ करना है, अरे यूज़ करनी है, अरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये भी डन हो गया। ये असाइनमेंट आपकी 20 नंबर की इंशाल्लाह प्रॉपर मिलेंगे आपको। और आप लोग देख रहे हैं टाइम 1:50, अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो खदारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं होता आपका। ये देखें जी आपके प्रोग्राम की आउटपुट मैंने बनाया है, तो CS310 फॉल 2, और उसके बाद यहाँ पे आप नंबर लिख लें, और यहाँ पे आपने ऑपरेटर लिखना है, और यहाँ पे आपने ये 6+7 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि अरे आपकी डिस्प्ले हो रही है 32, 44, 77, 55, 49, तो उसमें से हाईएस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज 77, तो ये दोनों चीज़ें फाइंड है। ये आपका जी आंसर आ गया, एडिशन इज इक्वल टू 7। अगर आप कोई और सिंबल एंटर करते हैं प्लस माइनस की जगह पे, फॉर एग्जांपल मैंने सी लिख दिया और यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या कह देगा, इनवैलिड ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल कोड है, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ऑन कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई और 6, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए, तो साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 6। तो आई डिड दिस, लेट्स मूव टू ड्रीम व्यूअर। और ये ना पूछिएगा कि ड्रीम व्यूअर का पाथ दे दें, कहाँ से लें, तो ये जी HTML PHP प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक ऑपरेशन। आप यहाँ पे अपनी ID लिख लीजिएगा, आपने लाइन नंबर 5 पे आ जाएँ, बॉडी, फिर फॉर्म बनाना, मेथड लिखना पोस्ट, और इसमें आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसका नेम रखना num1, इसका num2, इसका ऑप्शन, और उसमें वैल्यू बेशक ना लिखिएगा। प्लेस होल्डर में आप वो जो आपको नज़र नहीं आ रहा था, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर ओनली 1 जो है वो प्लस माइनस डिवाइड BR यहाँ पे लगाइए ब्रेक लाइन के लिए, और आपने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, num1 ऑप्शन और num2, बाकी बेशक इधर से ही बंद कर दें, कोई नहीं ज़रूरत। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट, ये लाजमी सही लिखिएगा क्योंकि इसको मैंने चेक करना है कि बटन प्रेस हुआ है कि नहीं। फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो गया जनाब, PHP का कोड है ये, इफ इज सेट, और इसमें पोस्ट सबमिट बटन जो है वो सबमिट प्रेस हुआ है, तो उसमें वो num1, num2 और ऑप्शन वो तीनों आ जाएंगे। आप इनके वेरिएबल्स के नाम बदल लीजिएगा, num1 वहाँ पे ही, ID वगैरह चेंज करें ना, ये वाला n2, n1, op, o2 इस तरह का कुछ भी रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने abch रखा है वेरिएबल PHP में, abch, तो आप इसकी जगह पे x, y, z, बल्कि अपने नाम के लेटर रखें, TAH या L कुछ भी, तो फिर उसको चेक करना है अपने ऑपरेटर जो प्रेस हुआ है, स्विच स्टेटमेंट लगानी थी, और केस प्लस अगर हुआ तो वो उनको जमा करे और R में वेरिएबल में स्टोर करवाए, और R को डिस्प्ले कर दे और ब्रेक कर दे, अगर माइनस है तो फिर, और सबट्रैक्शन है, और फिर इसी तरह ही, मतलब ये स्विच केस आपने पढ़ा ही हुआ है, स्विच केस आप बना ही लोगे, और डिवाइड करना है आपने, अगर डिवाइड हो गया, डिवाइड का सिंबल इंटर हुआ, डिवीजन हो जाएगी, और डिफ़ॉल्ट में मैंने लिख दिया इनवैलिड ऑप्शन। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, रिटर्न 0 करें और यहाँ पे आपका ये PHP का कोड ख़त्म हो गया। और फिर दूसरा कोड वो अरे के लिए लिखा है, PHP का कोड स्टार्ट करें रिटर्न मैक्स, ये मैंने कमेंट किया है, सेम टू सेम ना लिखा करें। फंक्शन मैंने बनाया गेट मैक्स, आप इसका नाम गेट मैक्सिमम रख लें,
और उसमें मैंने रे एज अ पैरामीटर पास किया है, यहाँ पे नाम चेंज कर लें एन की जगह पे। काउंट एक फंक्शन है जो कि रे को काउंट करेगा, और उसके बाद अरे का ज़ीरो इंडेक्स ला के मैक्स में रखेंगे, ज़ीरो को चेक करते रहेंगे, लूप लगाया फॉर वन से लेके वन लेस देन एन जो अरे की टोटल लेंथ है वहाँ तक, और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो जो अरे का मैक्स था यानी ज़ीरो लेस देन और इसमें वन से चेक कर लेंगे कि वो वन पे जो चीज़ पड़ी है वो मैक्स से कम है तो असाइन करवा दो, रे ऑफ ज़ीरो रे ऑफ वन जो है वो मैक्स को असाइन करवा दो। और इसी तरह ही ये लूप चलता रहेगा, इफ़ के साथ चेक होता रहेगा, रे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे और रिटर्न जब पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा, पूरी रे चेक हो जाएगी तो वो मैक्स पे चला जाएगा। वैसे हम यहाँ पे फाइव भी लिख सकते थे क्योंकि रे फाइव की है तो काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब ये लाइन ना लिखें सीधा यहाँ पर फाइव लिख लें तो तब भी आपका प्रोग्राम सही चलेगा। और फिर क्योंकि अरे हमें फिक्स पता है तो वो मैंने काउंट तो इसलिए करवाई कि डायनामिक हो, तो फिर उसके लिए होती है। तो ये वैल्यूज़ अरे में आपने रखी हैं, ये मैंने सिर्फ जस्ट टू प्रिंट, उन्होंने तो रिक्वायरमेंट की थी सिर्फ हमें वैल्यू डिस्प्ले कर दो, तो डिस्प्ले करनी होती तो गेट मैक्स में जो है वो अरे पास करते और उसने अरे मुझे दिखा देनी थी, तो मैंने तो साथ में अरे डिस्प्ले भी करवा दी है। ये अरे डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ गेट मैक्स का और ये साथ में बैनर डिस्प्ले हो जाएगा हाईएस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, तो गेट मैक्स का फंक्शन है। ये लाइन नंबर 65, 66, 67 एंड हेयर इट इज़ द एंड। आपको मैं दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करवा दूं क्योंकि आपने कोड लिखना होता है तो आप लेट भी हूँ, ये वैसे फजूल सी असाइनमेंट होती है मेरे लिए, टाइम वेस्टेज है, लेकिन फिर भी देख लें इसको आप लोगों का थोड़ा फिर इशू। मैं इनपुट टाइप आपका यहाँ तक सही होना चाहिए बस, ये नाम शाम सही हो, फिर क्योंकि नेम यूज़ होने हैं यहाँ पे, पोस्ट है तो पोस्ट ही रखिएगा। तो एक दफ़ा मेरा कोड रख लें फिर उसमें वेरिएबल्स बदल लीजिएगा आपने जो करने हैं। ये फंक्शन बना हुआ है मैक्सिमम अरे का, तो ये अब आपके सामने है, उसके बाद ये कोड है जो अरे को डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ओके, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।